गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, द बुद्धा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर. ही स्टार्टेड द रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म विच स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब बुद्धा क्या थे? एक ग्रेट रिलीजियस धार्मिक टीचर थे. ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? बुद्धिज्म रिलीजन स्टार्ट किया. और वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ? इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी. ठीक है, अर्ली लाइफ ऑफ द बुद्धा. अब बुद्धा की लाइफ कैसी थी? सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन लंबिनी इन नेपाल अबाउट 25 ईयर्स अगो. उनका जन्म कहाँ हुआ? लंबिनी नेपाल में 25 ईयर्स पहले. लेटर ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. बाद में वो किस नाम से फेमस हुए? बुद्धा. सिद्धार्थ वॉज द सन ऑफ चीफ सुद्धोधन एंड हिज क्वीन मायादेवी. किसके बेटे थे वो? चीफ सुद्धोधन एंड हिज क्वीन महादेवी. अंडरलाइन. आफ्टर सिद्धार्थ वॉज बॉर्न, वाइज मैन टोल्ड हिज फादर दैट द प्रिंस वुड आइदर बी अ ग्रेट किंग और अ होली मैन. अब एक किसी ज्ञानी ने बताया उनके फादर को, सिद्धार्थ के फादर को, कि आपका बेटा क्या बनेगा? या तो वो ग्रेट मैन, बड़ा ग्रेट किंग, बड़ा राजा बनेगा, या फिर कोई एक पवित्र आदमी बनेगा. ओके, सिद्धार्थ ग्रीव अप इन कपिलवस्तु. कहाँ बड़े हुए? कपिलवस्तु. चीफ सुद्धोधन वॉज अफ्रेड दैट हिज सन वुड नॉट फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स एंड वुड बिकम अ होली मैन इंस्टेड. अब उसके पिताजी को, सिद्धार्थ के पिताजी सुद्धोधन को चिंता होने लगी, डर लगने लगा कि उनका बेटा तो उनके रास्ते को फॉलो ही, फुट स्टेप्स को फॉलो ही नहीं करेगा और होली मैन बन जाएगा, एक पवित्र आदमी बन जाएगा. सो ही ऑर्डर दैट द प्रिंस शुड सी ओनली रिचेज एंड हैप्पीनेस अराउंड हिम. तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि उनका जो बेटा, जो प्रिंस है, वो क्या देखे? सिर्फ अमीरी और खुशियां देखे अपने चारों तरफ. एट द एज ऑफ 16 सिद्धार्थ मैरिड यशोधरा. अब सिद्धार्थ की मैरिज 16 ईयर्स एज में हो गई थी. किससे हुई थी? यशोधरा से. दे हैड अ सन कॉल्ड राहुल. और उनके एक बेटा हुआ, उसका नाम था राहुल. व्हेन ही वाज अबाउट 29 सिद्धार्थ स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द प्लेस इन हिज रॉयल ट्रोव. अब वो सिद्धार्थ जब बड़े हुए 29 ईयर्स के एज, तब वो अपने रथ, जो अपने राज्य का रथ था, उसमें घूमने लगे. ड्यूरिंग दीज स्टेप्स ही सॉ फोर थिंग्स दैट चेंज हिज लाइफ कम्प्लीटली. और जब वो उसमें घूमते थे तो उन्होंने चार चीजें देखी जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी. ओके, क्या देखा उन्होंने? ऑन वन ऑफ हिज ट्रिप्स सिद्धार्थ सॉ समथिंग ही हैड नेवर सीन बिफोर, एन ओल्ड मैन. उसने क्या देखा? एक ओल्ड मैन को पहले देखा, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था. फिर क्या हुआ? लेटर ही सॉ अ सिक मैन एंड डेड बॉडी. ही रियलाइज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, पेन. ठीक है, बाद में उन्होंने देखा एक सिक आदमी को और एक डेड बॉडी को. ओके, उससे उनको क्या पता चला? उन्होंने रियलाइज क्या किया कि लाइफ तो पूरे तरीके से पेन से भरी हुई है. देन ही सॉ, बाद में क्या देखा? देन ही सॉ अ मॉन्क. मॉन्क मतलब साधु को देखा, हु लुक काम एंड पीसफुल. दिस मेड हिम रियलाइज दैट द मॉन्क्स वे ऑफ लाइफ मस्ट बी अ वे टू एंड सफरिंग. उन्होंने साधु को देखा और देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि साधु की जो लाइफ है, उसे सारी सफरिंग, सारा पेन खत्म हो सकता है. सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज कम्फर्टेबल लाइफ. ही लेफ्ट होम एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ नॉलेज दैट ही वुड एंड सफरिंग. फिर क्या किया सिद्धार्थ ने? डिसाइड किया कि वो घर, सारी कम्फर्टेबल लाइफ अपने छोड़ देगा और विल सेट आउट इन सर्च ऑफ नॉलेज. उस नॉलेज के सर्च में, नॉलेज को सर्च करेगा ताकि ये सारे पेन खत्म हो सके. ओके, इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज. क्या हुआ फिर आगे? आफ्टर लिविंग द प्लेस सिद्धार्थ ड्रेस्ड इन सिंपल क्लोथ्स. वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी, उन्होंने सिंपल ड्रेस पहना. ही वेंट फ्रॉम होम टू हाउस टू हाउस बेगिंग फॉर फूड लाइक अदर होली मैन. वो दूसरों के घर, एक घर से दूसरे घर खाना मांगने के लिए जाते थे. ही मेडिटेट एंड ऑफन वेंट विदाउट फूड फॉर डेज. और वो बिना खाने के ही साधना, ध्यान साधना करते थे. 6 years later, सिद्धार्थ had still not found a way to end suffering. 6 साल बाद भी सिद्धार्थ को नहीं कोई भी रास्ता मिला ताकि ये पेन खत्म हो सके. ही realized that going hungry and treating his body harshly would not help him. फिर उन्होंने क्या सोचा कि भूखे रहने से और अपनी बॉडी को पेन देने से उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. आफ्टर ईटिंग अ मील ऑफर टू हिम बाय अ यंग गर्ल, ही सेट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार.
फिर उन्होंने क्या किया, खाना जो उनको एक यंग गर्ल ने ऑफर किया था वो पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। पीपल ट्री कहाँ पे थी अंडरलाइन करो, बोध गया इन बिहार, वहां पे थी, वहां बैठ के उन्होंने वो भोजन किया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड मेडिटेट देयर अंटिल ही हैड गेन्ड कंप्लीट नॉलेज। अब इन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी पीपल ट्री के नीचे बैठ के ध्यान साधना करेंगे जब तक उनको पूरी नॉलेज गेन नहीं हो जाती, मिल जाती। ओके, व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द पीपल ट्री सिद्धार्थ अंडरस्टूड द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स एंड हाउ इट कुड बी एंडेड। अब वहां पे मेडिटेशन करने के बाद, साधना करने के बाद, ध्यान साधना करने के बाद पीपल ट्री के नीचे सिद्धार्थ को क्या समझ में आया, अंडरस्टूड कि सफरिंग का कारण क्या है और उसका एंड कैसे हो सकता है। ठीक है, जो भी पेन है वो किस वजह से है और उसका एंड कैसे किया जा सकता है। नाउ दैट ही हैड दिस नॉलेज ही वॉज कॉल्ड द बुद्धा। अब सारी ये नॉलेज मिल गए तो उनको क्या बोलने लगे, ही वॉज कॉल्ड द बुद्धा मीनिंग द एनलाइटेंड वन। अब एनलाइटेंड वन का मीनिंग क्या होता है, अंडरलाइन, एन एनलाइटेंड पर्सन इज वन हु हैज ग्रेट नॉलेज एंड विजडम। अब एनलाइटनमेंट किसको कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि होती है। द ट्री अंडर विच सिद्धार्थ बिकेम एनलाइटेंड इज कॉल्ड द बुद्ध ट्री, अंडरलाइन। इट इज वर्शिप इवन टूडे एज अ सिंबल ऑफ विजडम। उसकी आज भी पीपल ट्री की पूजा होती है। ओके, नाउ टर्न द पेज। द बुद्धास टीचिंग। अब बुद्धा की टीचिंग क्या थी, द बुद्धा टॉट द पीपल फोर नॉबल ट्रुथ्स, दीज आर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि ये दुनिया है उसमें क्या दर्द है, सफरिंग है, पीड़ा है, फुल ऑफ सफरिंग। डिजायर और हैविंग मैनी विशेज इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। इस सफरिंग, इस पीड़ा का कारण क्या है कि हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स। वी कैन एंड अप आर सफरिंग्स बाय गेटिंग रिड ऑफ आर डिजायर। और हम इन चीजों को एंड कर सकते हैं कैसे, बाय गेटिंग रिड ऑफ आर डिजायर। हम इच्छाएं रखना छोड़ दे तो वी कैन गेट रिड ऑफ आर डिजायर्स बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। और हमारी इच्छा से, हमारी इच्छाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके एट फोल्ड पाथ है। वो क्या क्या है, सी, एट फोल्ड पाथ टॉट बाय द बुद्धा गेव एट वेज इन विच पर्सन कुडंट रिड ऑफ डिजायर, कुड गेट रिड ऑफ डिजायर, जिससे कि डिजायर्स कम हो सकते हैं। दीज आर क्या क्या है, अंडरलाइन, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही सोच समझना, सही विचार, राइट थॉट, राइट स्पीच, सही बोलना, राइट बिहेवियर, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सही तरीके से अपनी जिंदगी को जीना, एक नॉर्मल लाइफ रखना, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट मेडिटेशन, सही तरीके से ध्यान करो करना, सही तरीके से समझना, सही तरीके से आपका व्यवहार रखना, सही तरीके से किसी को समझना, अपनी लाइवलीहुड को बहुत सिंपल रखना। इस जो सारे चीज एट फोल्ड पार्ट से वो बुद्धा ने बताए, जिससे कि हम लोग दुखी नहीं हो सकते, हमें पीड़ा नहीं हो सकती। द बुद्धा ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस एंड प्रीच टू द पीपल। अब बुद्धा बहुत सी जगह ट्रेवल किए, उन्होंने अपनी इस चीज का प्रचार किया लोगों में। पीपल फ्रॉम नियर एंड फार केम टू लिसन हिम। अब लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए आते थे, जो पास में थे, दूर थे, वो सब। ही टॉट नॉन वायलेंस। उन्होंने क्या क्या सिखाया लोगों को, कि नॉन वायलेंस, पीस एंड फॉरगिवनेस, कि नॉन वायलेंस इज अहिंसा, शांति और माफी। ये चीजें उन्होंने लोगों को सिखाई। आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ प्रीचिंग द बुद्धा डाइड एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धा की डेथ हो गई कहाँ पे, अंडरलाइन, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। हिज टीचिंग्स आर फॉलोड इवन टूडे। उनकी जो टीचिंग्स, जो उन्होंने बताए थे टीचिंग्स, अपने एट फोल्ड पाथ्स, जो भी सब कुछ बताए थे, वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। ओवर द ईयर्स बुद्धिज्म स्प्रेड इन इंडिया। और काफी सालों से बुद्धिज्म इंडिया में है। इट इज ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। और बाहर भी, अदर कंट्रीज में भी ये स्प्रेड है। कहाँ कहाँ है, अंडरलाइन, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, जापान एंड श्रीलंका। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द चैप्टर। गो थ्रू इट, रीड द चैप्टर ट्वाइस एंड डू न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।